प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। बीते दो साल से कोरोना महामारी के बीच रावण दहन नहीं हो पाया था। इस साल रामलीला का आयोजन पंडालों में हुआ तो बारिश ने अपना दखल दे दिया। बुधवार को सुबह से लखनऊ में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण रावण के पुतले भी पूरी तरह भीग गए हैं। हवा के तेज झोंकों ने पुतलों को धराशायी कर दिया है। आयोजक पुतलों को बारिश से बचाने के लिए इंतजाम करते रहे। पुतले गिर जाने से रामलीला और रावण दहन को लेकर संशय के हालात बन गए हैं। कमोवेश यही हाल पूरी यूपी में देखने को मिल रहा है। ये वो ढांचा तैयार किया हुआ है जो रावण का है, जिसको जलना है शाम को, लेकिन अभी जो क्योंकि बारिश की वजह से पूरी तरीके से निकल गया है। आप देख सकते हैं जो कागज चिपका था वो छूट रहा है, क्योंकि जो बारिश की सीलन है उसकी वजह से पूरी तरीके से ये जो ढांचा है उसका कागज उखड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, छांव में रखा हुआ है ये, इसको बचाने का पूरा प्रयास किया गया है। और बारिश क्योंकि लगातार सुबह से हो रही है तो ऐसे में इसको जलाने का भी बड़ी चिंता है लोगों की कि किस तरीके से शाम को रावण दहन किया जाएगा। पूरे ग्राउंड में पानी भरा हुआ है। यहीं पे एक कार्यक्रम होता था, ये स्टेज है आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर छांव में जो एरिया है वहाँ पे ये रावण रखा गया है जिसका शाम को दहन होना है। सभी इंतजार कर रहे हैं शाम का, लेकिन जो मौसम है, मौसम ने पूरे जो माहौल है, जो खुशी है, उसमें थोड़ा सा व्यवधान जरूर डाला है। लेकिन एक बार फिर समिति का प्रयास है कि इसको सही किया जाए और सही करके फिर इसको शाम को दहन किया जाए, ताकि जो परंपरा है उसका पालन किया जाए। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।